अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बहारुद्दीन है। मैं कस्बा मीरगंज जिला बरेली से आया हुआ हूँ। मुझे धात की प्रॉब्लम 5 साल से थी। मैंने वहाँ के लोगों से दवाई खाई थी, मीरगंज से भी खाई थी और वगैरह वगैरह और जगह से खाई थी, लेकिन मुझे कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ। मैं जब तक खाता था, जब तक सही रहता था, छोड़ देता था तो फिर दोबारा आती थी। अब मैं अब्दुल्ला भाई के पास आया हुआ हूँ। मैं यहाँ से दवाई ले गया था, अब मेरी धात ठीक हो गई है। 100% फ़ायदा हुआ है। हमने माशाल्लाह, आप भी आए और अब्दुल्ला भाई से दवाई लेके जाएं, आपका भी फायदा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एड्रेस है कुंदर की जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और मोबाइल नंबर है 95484 95181। दूसरा नंबर 74 172 172 76। ये नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी लंबी वीडियो नहीं बना रहा और सबको पता है कैसे क्या। बाकी इनका नाम है अब्दुल मलिक पठान, मेरे बड़े भाई हैं। अब्दुल मलिक पठान मेरे बड़े भाई, ठीक है मेरे भाई। आपकी जो एड्रेस है दोबारा सुन लो, कुंदर की जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। जो ये लाइन है ना, बिजनौर मुरादाबाद रामपुर बरेली, ये वाला मुरादाबाद, लोग इसमें भी घूमते रहते हैं। और जो अलीगढ़ से आ रहे हैं, अलीगढ़ वाले रास्ते से या आगरा अलीगढ़ होते हुए आते हैं, तो वो कुंदर की पहले पड़ेगा, बाद में मुरादाबाद पड़ेगा। मुरादाबाद में उतरते हैं जाके भी, वो भी भाई उस पर डालो ना गूगल पे, काम खत्म। समझ गए, अकलमंद बनो, बहुत आगे जाओ। दिमाग से पूरी दुनिया जीती जा सकती है, ताकत से नहीं। दिमाग को बड़ा करो, बाकी अपना ख्याल रखो। 100% रिजल्ट है यहाँ और नो साइड इफेक्ट, नो स्टेरॉइड है। दूसरा, कोर्स करो पूरा, सही ना हो पैसे वापस, बिना लड़े बिना झगड़े। अगर पूरा कोर्स किया तो सही हो गया, इंशाल्लाह हो जाएगा सही। और बोला सही नहीं हुआ, फिर भी झूठ बोला आके, तब भी पैसे वापस। इससे बड़ा ना चैलेंज किसी ने दिया और ना कोई देगा। क्योंकि मेरे पास, मैं क्यों कन्फर्म हूँ, कॉन्फिडेंस क्यों है दवाई पे, क्यों? क्योंकि मैं खुद लाता हूँ जड़ी बूटी असली खरीद के नई, और वो खुद पिसवाता हूँ अपनी निगरानी में। एकदम पिसते ही वो दवाई बन जाती है, उसके बाद पेट में चली जाती है। तो कितना बड़ा प्रोसेस हो गया, ना तो हम पिसा हुई लाते और ना ही हम वैसे करते कुछ। हम क्या करते हैं, खुद जाते हैं, नई लाते हैं खरीद के और एकदम पिसवा के एकदम अंदर। तो वो 100% रिजल्ट है इसीलिए। और नई जड़ी बूटी होती है, मैं कंप्रोमाइज कभी नहीं करता। अगर वो जरा सी घुन गई, सड़ गई, तो मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, उसको फेंक देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मरीज ठीक नहीं हुआ तो डबल नुकसान हो जाएगा। एक तो जड़ी बूटी खराब थी तो एक नुकसान, दूसरा उसे वो मरीज को दी तो वो डबल नुकसान, मरीज ठीक ना हुआ तो 10 जगह बताएगा ठीक ना हुआ। अगर वो फेंक दी और नई जड़ी बूटी उसके पास गई, वो सही हुआ तो 10 को बताएगा, 10 मरीज मेरे बढ़ गए। दिमाग से काम लो, जितने हकीम है उनसे कह रहा हूँ, खराब माल मत दो। अगर तुम्हें अपनी मार्केट बनानी है, असली माल दो, नया माल दो। बाकी अपन जो मैं खुद खा सकता हूँ वही दूसरों को देता हूँ। जैसे मोटे होने का कोई मरीज आया मेरे पास, मोटे होने की दवाई लेने, मैं नहीं देता उसे मोटे होने की, डेक्सा वैक्सा ये सब चीजें नहीं देता, सिर्फ लैक्टिन डेकाडोन। मैं उसे सही चीज, सही राय देता हूँ, गाइडलाइन बिल्कुल सही होती, सही चीज ताकि परमानेंट ठीक हो, भूख परमानेंट लगे, नो साइड इफेक्ट, नो स्टेरॉइड। नहीं ये नहीं कि मतलब जिंदगी भर मुझे बद्दुआ दे रहा है, नहीं चाहिए मुझे बद्दुआ, मुझे चाहिए दुआ आप लोगों। ठीक है, अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।